नोएडा के सेक्टर 21 स्थित एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उन्हीं मजदूर के परिजन। आपके किस परिजन की जो है इसमें मौत हो गई है? मैं उनका भाई हूँ, एक धर्मवीर का और उनका भतीजा हूँ पान सिंह का। यानी एक परिवार के 2 लोग जो है वो खत्म हो गए? हाँ, दोनों खत्म हो गए भाई। आप उसी जगह पे काम कर रहे थे जब ये हादसा हुआ? उसी जगह पे काम कर रहे थे। क्या हुआ आपके, क्या क्या देखा? दीवार गिर गई ना, दीवार गिर गई एकदम, ईंट निकाल रहे थे, दीवार गिर गई पे दब गए उसमें। कितने बजे आप लोग साइड पे पहुंचे थे और कितने बजे ये हादसा हुआ? साइड पे तो 9 बजे पहुंच जाते हैं काम पे, तो 9:30 बजे की बात है। मतलब पहुंचते ही आधे घंटे के बाद? आधे घंटे बाद। क्या हुआ आपके हिसाब से, कैसे हुआ ये? अचानक ही हो गया ऐसे ही। कितने दिनों से काम चल रहा था वहाँ? 6 दिन हो गए। अच्छा, आज छठा दिन। तो जो पिछले 6 दिन से आप लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पे ऐसा कोई खतरा आप लोगों को दिखा कि हाँ जो है दीवार कमजोर? नहीं दिखा खतरा, कोई खतरा भी नहीं दिखा, अपने आप ही अचानक ही गिर गई दीवार ऐसे पड़ोसी की। कभी ऐसा लगा कि दीवार जो है वो कमजोर है, जो दीवार थी कॉलोनी की जो दीवार थी वो कमजोर है, कभी ऐसा जब आप लोग तोड़ ईंटों को निकालने का काम कर रहे थे तो ये दिमाग में आया कि ये दीवार कमजोर? कमजोर तो ना ही, ऐसी तो ही तो बढ़िया, वैसे ही अब निकल आई कमजोर, ऐसे गिर पड़ी था तो कमजोरी मान लो, वैसा तो सही का नहीं। कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं? लेबर का तो 1 साल ही हुआ है अभी, जब 5-6 दिन 8-10 दिन काम करते हैं चले जाते हैं घर पे, ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं। आप लोगों के एक झटके में एक परिवार के 2 लोग जो है वो ख़त्म हो गए? हाँ, 2 लोग ख़त्म हो गए, मेरे चाचा और मेरे भाई। घर पे बात हुई? घर पे बात हुई, आ रहे हैं। क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं वहाँ पर? कुछ भी ना, आ रहे हैं गाड़ी लेकर। जवान लड़के थे, एक 25 साल की उम्र थी, एक ही 15 साल की उम्र थी, उनके माँ बाप का क्या कहना है, उनसे बात हुई? बात हो गई। उनका क्या कहना है? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं क्या इसका टेंडर था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो है उनसे कहा जाए, कहा सुना जाए। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? अभी फिलहाल में तो कोई मांग ना कर रहे हैं, तो हम परेशानी में अपनी। कॉन्ट्रैक्टर था गुल मोहम्मद, सभी लोग उसी के घर में रहते थे? हाँ, उसी के घर में रहते थे। कितने साल से आप लोग उसके अंडर काम कर? हमें तो दीपावली से ही काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया लगभग। कभी और भी किसी साइड पे ऐसा हादसा हुआ? नहीं। जो जरूरी उपकरण जो देने चाहिए आप लोगों को तो तोड़ने के वक्त, दीवार तोड़ने के वक्त, क्या वो दिए गए थे, फिर आप लोग बस अपना जो सामान है जो औजार है बस वही लेकर के आ गए? हाँ, औजार वसूली लेके आए थे अपनी। बस दीवार जब तोड़ रहे थे तो क्या उसमें आपको दिख रहा था कि नमी है इसमें या जो सीमेंट है वो झड़ रहा है? नहीं, कुछ नहीं झड़ रहा था वैसे तो। कैसे ये दीवार गिर गई? अचानक ही निकल गई ना, अचानक एक झटके में 2 परिवार के सदस्य खत्म। कमी खल रही है, क्या लगता है कमी कभी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आए थे आप लोग खाने कमाने के लिए, घर पे पैसे भेजते होंगे, कितना एक दिन का आप लोगों का लेबर चार्ज? 500 रुपये। मतलब एक दिन 500 रुपये के लिए 2 सदस्य जो है वो दुनिया को अलविदा कह, दुनिया अलविदा कह गए। क्या बात होती थी आखिरी बार, कब बात हुई? आखिरी बार सुबह ही बात हुई थी, काम कर रहे अभी, जब ही बतलाए। चीख पुकार मच गई थी, कुछ भी नहीं आई चीज़ एकदम, दीवार की आवाज़ आई केवल, धड़ाम की गिर गई। फिर वहाँ के बाद कॉलोनी के और रोड पे जो लोग थे वो आ गए, उसके बाद ठेकेदार को फ़ोन किया तो पुलिस आ गई, फिर जेसीबी भी आ गई, पर जेसीबी ने कुछ हटाई दीवार, कुछ हमने हटाई, कुछ और लोग हैं वहाँ पे उनने हटाई, वहाँ के बाद वो निकाले। कभी सोचा था कि ऐसे जो है ऐसे ख़त्म हो जाएंगे परिवार के 2 लोग? अब सोचते तो फिर वहाँ घुसते ही क्या, जैसी मालूम होती तो। जो लोग थे कामगार थे जो वहाँ पर मेन कामगार जो मेन मजदूर थे उनसे आपकी बात हुई थी, उन्होंने कभी अंदेशा जताया कि दीवार जो है वो कमज़ोर है? नहीं, अंदाज़ा ही नहीं था दीवार कमज़ोर है, वो अचानक में ही निकल गई। तो देखिए ये हैं परिजन मृतकों के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुबह
9 बजे जब ये काम पे जा रहे थे तो इन्हें इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि आज जो है उनके मजदूरी का आखिरी दिन होगा। और जैसे ही ये लोग काम पे पहुंचे हैं, आधे घंटे के बाद 9:30 बजे जो है वो दीवार गिर गई और चार उसमें दब करके 4 मजदूरों की मौत हो गई और उन सभी चारों की बॉडी जो है वो नोएडा के सेक्टर 94 स्थित जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा और इसके बाद उनकी जो बॉडी है उनके पैतृक गाँव चली जाएगी। सहयोगी सी के सिंह के साथ अहमद बिलाल, AVP News, नोएडा।